सर सब बहुत बहुत मुबारक सारे जहाँ से अच्छा जो आपका शो वेब सीरीज है उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी के लिए? अब जैसे जानते हैं कि कोई भी कामयाबी इतनी आसान तो होती नहीं है कि आप, और ख़ासकर जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह के कंटेंट आते हैं लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वायरल कंटेंट आए, इंटरटेनमेंट ज़्यादा हो, ठीक है लोगों का एक नज़रिया है, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, बट सारे जहाँ से अच्छा सोसाइटी के ऐसे लोगों की कहानी, उन हिस्सों पर हम बात करते हैं जो कि जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो बट वो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना शायद सोसाइटी की कल्पना करना एक जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, और ख़ासकर जब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक अलग तरह का माहौल है ना, लोग लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, और जब आप सोसाइटी में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें दिखती नहीं है, ये जिनके कारण है, उन अनसंग हीरो के कारण जो कि सोसाइटी को एक अपने लेवल पे अपने स्तर से चला रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी को कम्युनिटी को कनेक्ट करके रख रहे हैं, तो सारे जहाँ से अच्छा वैसे ही हीरो की कहानी है, वैसे ही अनसंग हीरो की कहानी है। और डिजिटल पे लाना एक मेरे हिसाब से एक बहुत चुनौती वाला काम है, क्योंकि जब भी आप डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो लगता है कि यूथ से रिलेटेड कंटेंट, यंग लोग जो पसंद करें, जैसे कि आप TBF हो या सीक्रेट गेम्स हो, जो इस तरह के जो कंटेंट आते हैं लोग ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ऐसे में सारे जहाँ से अच्छा लाना मुझे लगता है कि एक चुनौती वाला काम है। लेकिन जब ये शो आया और हमें डर लग रहा था कि पता नहीं इस शो का क्या होगा, लोग देखेंगे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 मिलियन व्यूज़ हर एपिसोड पे आ रहे हैं, हमें लोग डेली मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो कि जिनकी स्टोरी है, या फिर ऐसी स्टोरी कौन सी हम ला रहे हैं इनके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। तो सोसाइटी मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप निगेटिव और इंटरटेनमेंट ही दिखा रहे हैं तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे, अगर आप अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं तो डेफिनेटली लोग उसको भी देखते हैं। प्रकाश झा को कन्विंस करना कितना मुश्किल और आसान रहा? वो अपने आप में एक दिग्गज हैं, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। वो जब आप लिख रहे थे या इस शो पे काम कर रहे थे तो आपके हमेशा जहन में था कि यू वांट प्रकाश झा टू बी अ होस्ट ऑफ इट? मतलब एक देखिए मेरी इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, तो मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि प्रकाश झा मेरे शो को होस्ट करें। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा रहा हूँ बहुत दिनों से, और सोशल मीडिया में मैं एक्टिव रहा हूँ किसी न किसी रूप से वहाँ पर। फिर हमने जब बहुत दिनों से हमने देखा कि मतलब एक इंटरटेनमेंट कंटेंट तो आ ही रहे हैं, लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं और वो भी सही हैं, क्योंकि जो ऑडियंस चाहे वही लोग बनाते हैं। मुझे लगा कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए कि जिसमें कि कुछ सोशल सोसाइटी कम्युनिटी इसकी बात हो, और कम्युनिटी की बात हम कैसे करेंगे, अगर कम्युनिटी की हम बात डायरेक्ट करते हैं तो शायद वो डॉक्यूमेंट्री हो जाती, तो हम क्यों ना अनसंग हीरो पे बात करें, अनसंग हीरो जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जिनको किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं, जिनको किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, क्यों ना हम ऐसे अनसंग हीरो के बारे में बात करें। और ऐसा हमने सोचा, सफ़र शुरुआत की। इसी बीच किसी एक दोस्त के एक फ्रेंड के थ्रू हमारी मुलाकात सर से हुई, प्रकाश झा सर से बात हुई, मुलाकात हुई, और मैंने ऐसे ही चर्चा कर ली कि सर मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम है सारे जहाँ से अच्छा, और चूँकि मैं सोशल मीडिया में मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे पता था कि शो, खासकर ऐसे शो को बिना सेलेब के लाना बहुत मुश्किल है, और सेलेब्रिटी भी कौन हो, एक ऐसा आदमी जिसका कुछ सामाजिक सरोकार हो, जिनका कुछ सोसाइटी से कंसर्न हो, और अगर हम बॉलीवुड में देखें तो प्रकाश झा मुझे लगता है कि नंबर 1 आएंगे उन चंद सेलिब्रिटी में जिनका कि सामाजिक सरोकार रहा है, जिनकी फिल्में समाज के बारे में बात करती हैं, उनके विचार समाज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला कि सर इस तरह का शो है, अगर आप होस्ट कर लें तो, मैं तो डरते हुए बोला था कि सर अगर आप होस्ट कर लें, और वो तुरंत उन्होंने हाँ बोला, क्योंकि मुझे लगा कि उनको समझ में आई चीज़ें, और उन्होंने हाँ बोला और बोला शूट कब है, बताओ कब शूट करना है, फिर चीज़ें शुरू हो गई। ओके, प्रकाश झा की मौजूदगी शो को कितना हेल्प करती है? और यकीन ये बड़ा बेतुका सा सवाल है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा कि कितना हेल्प करती है कि टू गेट द विजिबिलिटी, टू गेट द आईबॉल? मुझे लगता है कि अगर प्रकाश झा शो में नहीं होते तो आप, हमारी आपकी बात ही नहीं हो रही होती, क्योंकि एक आम आदमी, मैं भी एक अनसंग हीरो की तरह ही हो जाता कि मैं एक आम आदमी कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कौन देखने वाला है। तो प्रकाश झा की मौजूदगी इसी से है कि दो चीज़ें उनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो शो का जो कन्विक्शन है उनका, एक जो उनकी एक इमेज है सोसाइटी को लेकर, एक फिल्म मेकर भी हैं लेकिन जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तो एक तो वो प्लस है ही जो कि शो के लिए प्लस है, दूसरा नो डाउट उनकी मौजूदगी से लोग जान पाए, अवेयर हो पाए, प्रमोट शो ज़्यादा हुआ। रोली जी,
अभी जैसे कि प्रकाश झा के आने से, देखिए हर हर शो की एक आइडेंटिटी होती है। आप जैसे कि हम लोग सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो नो डाउट आमिर खान की बात होती है, केबीसी की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन सर की बात होती है। वैसे ही सारे जहाँ से अच्छा कि जब भी बात हुई, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं प्रकाश झा वाला शो, तो नो डाउट उनकी आइडेंटिटी से ही शो है, मतलब मेरे से तो कोई जान नहीं रहा है उनको, बट नो डाउट शो की आइडेंटिटी प्रकाश झा है। अगर प्रकाश झा ना होते तो शायद इस शो को कोई देखने वाला भी नहीं होता। प्रकाश झा इज अ यूएसपी ऑफ सारे जहाँ से अच्छा। ओके, आप एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने बड़े डायरेक्टर को डायरेक्ट करना? आप यकीनन होस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको बोलना कि सर ये लाइनें हैं ये, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा मतलब क्या तजुर्बा रहा आपका, क्या उनके भी इनपुट रहते थे? ये बहुत अलग सा ही सवाल है क्योंकि उनको डायरेक्ट करना तो शायद बहुत, मुझे नहीं लगता कि मैंने उनको डायरेक्ट किया क्योंकि वो इतने सुलझे हुए लोग हैं, मतलब इतना अनुभवी हैं, इनके इतना अनुभव है उनके पास फिल्मों का और इस तरह के शो का, क्योंकि वो टीवी पे भी एक शो कर चुके हैं इससे पहले, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो थी नहीं। इनफैक्ट उनके आने से हमें हेल्प हो गई, जो चीज़ें शायद मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहे थे वेब पे, और हमारी टीम खुद ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसा शूट होगा, किस तरह से हम लोग शो का फॉर्मेट क्या होगा, है ना। तो प्रकाश झा के आने से सब चीज़ें आसान हो गई क्योंकि उनका अनुभव, उनके इनपुट्स बहुत काम आए हमारे, और शो का जो पूरा प्रारूप है मुझे लगता है कि उसमें मतलब उनका सबसे ज़्यादा इनपुट उनका ही है। सीक्रेट गेम्स भी बहुत लोगों ने सराहा और आप जो शो कर रहे हैं वो कहीं सोसाइटी के बारे में बात करता है, उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्हें कोई पहचान नहीं मिली लेकिन वो सोसाइटी के लिए अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं जी, तो कैसे देखते हैं इस कंपैरिजन को? देखिए सोसाइटी के हम आप जानते हैं कि सोसाइटी के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव पहलू एक पॉजिटिव पहलू। जब हम क्राइम पेट्रोल या सीक्रेट गेम्स इस तरह की बात करते हैं जिसमें कि हम सोसाइटी के एक पहलू के बात बारे में बात करें जहाँ पे एक नकारात्मकता निगेटिव क्राइम की बात होती है, हमारा शो एक दूसरे पहलू की बात करता है जिसमें सोसाइटी और कंट्री के पॉजिटिव चीज़, उसकी सकारात्मकता, लोगों की अच्छी चीज़ें, कम्युनिटी को जोड़ के रखने वाले लोगों की बात हम करते हैं, तो वो भी एक पहलू है सोसाइटी का, लोग उसमें इंटरटेन ज़्यादा होते हैं, और ये भी एक पहलू है, लोगों ने इसको भी पसंद किया और इसको भी सराहा है, राइट। How do you see the comparison of Secret Games and सारे जहाँ से अच्छा? कोई कंपेरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि एक अलग प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है और हमारी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट भी एकदम अलग है, बट नो डाउट अगर आप मतलब सोसाइटी सारे जहाँ से अच्छा मेरे लिए सीक्रेट गेम्स है, सोसाइटी के पॉजिटिव चीज़ों को लेकर जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि सीक्रेट या नो डाउट आप जानते हैं कि डिजिटल या किसी भी टीवी पे जब भी हम पहले भी क्राइम पेट्रोल देख रहे हों या फिर हम सावधान इंडिया देख रहे हों जिसमें लोग अवेयर कर रहे हैं कि कौन लोग आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, इसके लिए जब अवेयर सीक्रेट गेम्स में भी जब इस बारे में चर्चा हो रही थी, बट सारे जहाँ से अच्छा में हम लोग बात करें कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं सोसाइटी में, मतलब सिर्फ नेगेटिव लोग नहीं है सोसाइटी में, अच्छे लोग भी हैं, तो हमारे लिए तो सीक्रेट गेम्स सारे जहाँ से अच्छा ही हमारे सीक्रेट गेम्स है। थैंक यू।